ठीक है, आपको नहीं लगता कांग्रेस की फूट दुनिया के सामने आ रही है और इससे पार्टी और कमजोर होगी? देखिए कांग्रेस पार्टी का फूट सामने जो है श्री गुलाम नबी आजाद ने जो है वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल वो बिल्कुल सामने आ गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आके यहाँ नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, उस नरेंद्र मोदी जी की जिन्होंने हमसे हमारा स्टेट छीना है, हमारा स्टेटहुड का अधिकार हमसे छीना है, उनकी आके यहाँ तारीफ करने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जो है कमजोर करने की कोशिश की। तारीफ की अगर हम बात करें तो ये तो एक पर्सनल चीज है ना, वो देखिए सिर्फ तारीफ की बात नहीं है, यहाँ जम्मू कश्मीर में उन्होंने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने G23 लीडर्स को किया और कई ऐसी एक्टिविटीज लगातार कर रहे हैं जो सीधा पार्टी के खिलाफ, ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज आप इसको क्लेम करते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर हम G23 की बात करें, बिहार चुनाव के बाद ये G23 बना था जहां पर CPIML के CPIML से भी कम सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, उससे ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद, तो आपको नहीं लगता पार्टी कमजोर हो रही है और इसको एक कड़े नेतृत्व की जरूरत है? पार्टी कमजोर किसकी वजह से हो रहा है? यही लोग तो मंत्रिमंडल में थे 10 साल, किसने गलतियां की? इन्होंने गलतियां की, आज हम भुगत रहे हैं। और अगर ये आज जब क्राइसिस में थी पार्टी, आज इनको खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी मजबूत करने को, जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव थे, आप पूछिए ना इनसे कहाँ थे ये, कितनी बार ये आए यहाँ कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए आज जो हमें गुलाम नबी आजाद को लेकर प्रेस किया था, जो इन्होंने मोदी की प्रशंसा कर रहे थे, पता नहीं क्या दे दिया इनको मोदी ने, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम की जम्मू में आजाद नहीं दास आए थे, दास जो इनके चेहरे में जो पहले होता था कि ऐसे आते थे, अभी ऐसे थे इस बार, क्योंकि पीछे से बोला हुआ कि बना देंगे, देखो वो कर देंगे। और सर जो बंदा जम्मू में आके मोदी की प्रशंसा कर रहा है कांग्रेस का होके, क्या कर दिया मोदी ने सर जम्मू में? 370 हटा दी, टोल प्लाजा, टोल टैक्स, किधर क्या कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स उनके साथ 23 लोग थे टोटल। जी सर वो G23 सम्मेलन, जी सर वो G23 वही लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टेटों में कांग्रेस खत्म कर दी। अब जम्मू का आगे बेड़ा गर्क करना, वो हुड्डा उन्हें इधर कांग्रेस खत्म की थी, उसको अशोक तंवर को हरा दिया, बवा निकाल दिया, उसको निकाल दिया, अभी हमारे इधर आ गए हैं, लेकिन जम्मू में नहीं चलेगा ये सब। जम्मू में सर अब आप भी पता सर, जब भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है, चाहे हम मैं आता हूँ विजयपुर से, विजयपुर आरसपुरा कठुआ में, सर हम बिल्कुल नाराज है, हम राहुल गांधी से डिमांड करते हैं ऐसे बंदों को निकाल के बाहर फेंको, नाराज की बात कर रहे हो आप, क्या करना है सर? वी वांट क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी, हम एक भी हो बड़ा है, कांग्रेस एक बड़ा है, लेकिन क्या फायदा कि मैं उधर से दिल्ली बैठे बैठे थे पहले जी पल्ले को रहो, मीर को रहो, इसको नहीं टिकट देने दो, इसको बोर्ड नहीं देने दो, क्या फायदा सर? ये कांग्रेस का बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। और बाकी बात करें G23 की, वो भूपिंदर सिंह हुड्डा, उसने अशोक तंवर को बाहर निकाल दिया हरियाणा से, उनका अपना मसला पड़ा है, हमारा मसला सिलेगा सर, यही बात है। बाकी सर मैं छोटा मोटा बंदा हूँ, DDC की इलेक्शन जीते हैं, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। पहले भी देखा गया है कि आजाद साहब और आपके बीच में कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो कई बार निकल के आए हैं सामने, क्या ये उसी का नतीजा है या जो G23 बना है ये सही में उसके खिलाफ आपका? देखिए हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम सारे संगठन के लोग हैं, NSUI से, स्टूडेंट डे से आपने और यूथ कांग्रेस से होते हुए कांग्रेस में अपना सारा जीवन बलिदान दिया है, खून दिया है हमने पार्टी को, खून पसीना दिया है, और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी के हमने नारे लगाए हैं, हमने उनका झंडा उठाया है कई वर्षों तक, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते से लेकर आज तक हमने उनका साथ दिया है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता था और कांग्रेस पार्टी ने सारे जीवन उनको पावर में रखा, ऐसे वक्त में जब क्राइसिस में थी कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन में भी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना के उनको मिनिस्टर कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था, सारे जीवन उनको संगठन में उनको बुलंदियों पर रखा कांग्रेस पार्टी ने। आज जब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने का समय आया उस वक्त वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ पे उन्होंने एक कार्यक्रम में जिस तंजीम के खुद हेड हैं वो करके G23 सिलेक्टेड लीडर्स को कुछ को बुलाया और कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स को सबको इग्नोर करके यहाँ वो नरेंद्र मोदी जी की प्रेस करके जम्मू में जाते हैं, उन नरेंद्र मोदी जी की जिन्होंने हमारे प्रदेश का स्टेटस हमसे छीन लिया, हमारा स्टेटहुड छीन लिया, जम्मू कश्मीर पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, किस हालात से गुजर रहा है, और यहाँ आके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के बजाय वो जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करके जाते हैं, इसलिए हमने सख्त रोष आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया है, हम मांग करते हैं सोनिया जी से कि इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन किया जाए।